दोस्तों, कई दिनों से चल रहे डाउट्स के बीच नरेंद्र मोदी का नाम ही भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। एनडीए ने इसके लिए दो बार मीटिंग की। पहली बार ही मीटिंग करके एनडीए ने यह बता दिया था कि भारत का अगला प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ डाउट्स होने लगे थे, क्योंकि एनडीए ने यह कहा था कि हमारी अगली मीटिंग फ्राइडे को 7 जून को होने वाली है और 7 जून की इस मीटिंग में एनडीए के बहुत बड़े बड़े लीडर्स देश भर से जमा हुए और यहां पर भी एक सहमति से इन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम चुन लिया है। लेकिन आरएसएस ऐसा नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री बने, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसके बारे में द इंडियन एक्सप्रेस सहित बहुत से मीडिया संस्थान ने खबर छापी है। आरएसएस जो हमेशा से बीजेपी के साथ रही है, उसकी लीडरशिप इस बार भारत का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय किसी और को देखना चाहती है। ये बात कही है शिवसेना के संजय राउत ने। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि 2024 के चुनाव का रिजल्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आया है, इस बात को उन्हें एक्सेप्ट करके पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन अगर वो सरकार बनाते हैं तो ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा कि आरएसएस की लीडरशिप नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनाए जाने के खिलाफ है और उनके अलावा और ऑप्शंस को ढूंढ रही है, यानी किसी और को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। दोस्तों, संजय राउत के इस बयान के बाद जब मीडिया संस्थान द इंडियन एक्सप्रेस ने खुद इस बात का पता लगाने के लिए आरएसएस के सीनियर लीडर से बात की, तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और कहा कि हाँ, आरएसएस किसी और को तलाश कर रही थी और चाहती थी कि कोई और प्रधानमंत्री भारत का बनाया जाए। इसके लिए इन्होंने कुछ नाम भी गिनाए, जिनमें सबसे पहला नाम मध्य प्रदेश के बीजेपी लीडर और पूर्व चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का बताया, क्योंकि वो वहां पर काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और बहुत बड़ी जीत उन्होंने एमपी में बीजेपी को दिलाई है। इसके अलावा राजनाथ सिंह और बेहद पॉपुलर बीजेपी के लीडर नितिन गडकरी का नाम भी आरएसएस की चॉइस में बताया गया। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनडीए ने ऑलरेडी अपने सभी सपोर्टिव दलों के साथ मीटिंग करके ये बात फाइनल कर दी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं। दोस्तों, आज जो एनडीए की बैठक हुई, उसमें बड़े बड़े लीडर्स ने अपनी स्पीच देकर नरेंद्र मोदी को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाए जाने का सपोर्ट किया। इसमें नीतीश कुमार भी शामिल रहे। नीतीश कुमार ने जो स्पीच दी, उसमें इन्होंने बताया कि हम और जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और इनके प्राइम मिनिस्टर बनाए जाने का सपोर्ट करता है और हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की शपथ जल्दी से जल्दी ले लें, बल्कि आज ही ले लें, लेकिन इनकी शपथ की डेट आगे बढ़ा दी गई है। यानी पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ 8 जून को लेने वाले थे, लेकिन कुछ उथल पुथल और डाउट्स की वजह से इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया था और अब उनकी शपथ 9 जून को होने वाली है। ये डेट आगे किस लिए बढ़ाई गई? शायद एनडीए ने इस डेट को आगे इसलिए बढ़ाया ताकि वो अपने सभी सपोर्टिव दलों की राय अच्छे से जान सके, जिसमें शपथ लेने के बाद किसी तरह की प्रॉब्लम इन्हें फेस ना करनी पड़े, क्योंकि बीजेपी बहुमत में नहीं है। इसी वजह से एनडीए के बाकी के दलों को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। खैर दोस्तों, 9 जून को जो शपथ ली जाएगी, वो प्रोग्राम भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि उसमें भारत के दुश्मन बनते जा रहे देश मालदीव के प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे। इस शपथ में टोटल 2 मुस्लिम देश जो भारत के पड़ोसी हैं, उनके लीडर्स को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा श्रीलंका के लीडर को भी आमंत्रित किया गया है, यानी श्रीलंका के प्रेसिडेंट और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। इसके अलावा मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू भी इस ऐतिहासिक शपथ के मेहमान बनने वाले हैं। मोहम्मद मुइज़ू वही लीडर हैं जो अभी हाल ही में मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने हैं। मालदीव्स एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है जो भारत के काफी पास है, एक तरीके से भारत का पड़ोसी देश ही है, बस बीच में थोड़ा सा समुद्र पड़ता है। लेकिन मोहम्मद मुइज़ू की जो पॉलिसी है, वो भारत के अगेंस्ट और चाइना के सपोर्ट में देखी जा रही है। इसी वजह से इनके प्रेसिडेंट बनते ही भारत और मालदीव्स के रिश्तों में थोड़ी सी दरारें जरूर पड़ी थी। इन्हीं दरारों को मिटाने के लिए भारत ने मोहम्मद मुइज़ू को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के लिए आमंत्रित किया है। खैर दोस्तों, नीतीश कुमार जो पलटू चाचा के नाम से मशहूर हैं, लेकिन वो फिलहाल नहीं पलटे हैं। उनके पलटने की उम्मीद इंडिया अलायंस और उसके सपोर्टर्स जरूर कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जब साफ कर दिया कि वो नहीं पलटने वाले हैं, तो अब इंडिया अलायंस की निगाहें टीडीपी के लीडर चंद्रबाबू नायडू पर आकर टिकी हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू से बीजेपी के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब इतिहास में रहे हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू उन लीडर्स में से एक हैं जिन्होंने एनडीए की स्थापना की थी और बीजेपी के साथ ही रहे थे, लेकिन 2014 में जब बीजेपी मेजॉरिटी के साथ भारत की
सत्ता में आई तो कहा जाता है कि एनडीए के बाकी के दलों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी, न ही टीडीपी के लीडर चंद्रबाबू नायडू को। इतना ही नहीं, ये अपनी पार्टी को तोड़ने के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि इनके 6 राज्यसभा सांसदों में से 4 बीजेपी में शामिल हो गए थे। इन्हीं सब वजहों से 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए अलायंस छोड़ दिया था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी खिलाफ ये काफी ज्यादा बयानबाजी भी करने लगे थे। लेकिन बाद में सारी तलखियां मिटाकर इन्होंने एनडीए अलायंस फिर से ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इन्हें पता था कि आंध्र प्रदेश में अगर इन्हें जीतना है तो बीजेपी का साथ इन्हें लेना होगा, और इसका इन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि आंध्र प्रदेश में इनकी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी के साथ दिखाया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये अपनी पुरानी बातों का बदला लेने के लिए एनडीए के ऊपर बहुत बड़े बड़े दबाव बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बीजेपी से काफी बड़े बड़े पद की डिमांड कर ली है, जिनमें से लोकसभा स्पीकर का पद भी शामिल है। और चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, इन सभी के बड़ी बड़ी डिमांड्स अब एनडीए को पूरी ही करनी होगी, वरना उसके ऊपर सत्ता से बाहर होने का खतरा मंडराता रहेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भले ही एनडीए से अलग ना हुए हों, लेकिन सबसे ज्यादा खबरें ये आ रही हैं कि एनडीए के एक और बहुत बड़े लीडर एकनाथ शिंदे एनडीए से अलग हो सकते हैं। दोस्तों, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की शिवसेना के लीडर हैं। 2 साल पहले बीजेपी ने इनका हाथ थामा था और शिवसेना 2 टुकड़ों में बट गई थी, एक उद्धव ठाकरे वाली और एक ये शिवसेना जिसके लीडर एकनाथ शिंदे हैं। उद्धव ठाकरे पहले से शिवसेना के लीडर थे, लेकिन जब वो अलग हुए और एक नई शिवसेना बनी तो इस बार के इलेक्शन में उन्हें पब्लिक ने पूरा सपोर्ट दिखाया और उन्होंने काफी ज्यादा यानी 9 सीट महाराष्ट्र में जीत ली हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 6 सीट जीती हैं। और अभी कुछ महीनों के बाद ही महाराष्ट्र में एक बार फिर से विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें पूरी पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि महाराष्ट्र के लोग उद्धव ठाकरे का फुल सपोर्ट करेंगे और उन्हें काफी ज्यादा सीट हासिल होंगी और वो सत्ता में वापस आ जाएंगे। इस बात का डर ऑलरेडी एकनाथ शिंदे और उनके पार्टी के दूसरे लीडर्स को सताने लगा है, इसीलिए वो एकनाथ शिंदे के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वापस से उद्धव ठाकरे के पास चले जाएं और उनके साथ समझौता कर लें। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये एनडीए से हट जाएंगे और इन्होंने जो 6 सीट जीती हैं उसका नुकसान भी एनडीए को हो सकता है। हालांकि दोस्तों, इन 6 सीट का नुकसान भले ही हो जाए, फिर भी एनडीए के पास से बहुमत की कमी नहीं होगी। लेकिन एकनाथ शिंदे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनावों में उन्हें काफी तगड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा कहना है बहुत सारे एक्सपर्ट्स का, क्योंकि जो महाराष्ट्र की पब्लिक है वो उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। दोस्तों, आज की वीडियो से मुझे उम्मीद है आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर। नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।